तो नमस्कार, आप सब ठीक होंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि रेलवे वालों ने अब फीस रिफंड का एक लिंक एक्टिव करना है जो कि अभी एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि फ़ीस रिफंड कैसे हो सकती है और आपकी फ़ीस आपके अकाउंट में जो आपने कटवाई है फीस उसी अकाउंट में फिर से वापस आ सकती है। चलो अब देरी नहीं करते हुए अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी फ़ीस रिफंड लेने के लिए हम कौन सा काम करेंगे, चलो देखते हैं आगे। चलो ठीक है, गूगल पे आना है। गूगल पे आकर आपने sarkaririzalt.com डाल देना है। चलो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ वैसे ही आप सेम डाल देना sarkaririzalt.com, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप कर देना। डेस्कटॉप करने के बाद स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा एडमिट कार्ड में रेलवे, अपना रेलवे आरबी एनटीपीसी फीस रिफंड नोटिस, उस पर क्लिक करना आप। करने के बाद आप चेक करोगे, नीचे आओगे। उसके बाद देखो अगर आपने अगर आपको जर्नल हो या बीसी हो, ठीक है। उसके बाद आपने 400 रुपया दी होगी फीस, तो वो आप किसी भी अकाउंट में आ जाएगी। और अगर आप एससी हो या एसटी हो या पीएचडी है ना, फीमेल हो, 250 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो कि आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। चलो डाउनलोड करके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक ही बैंक अकाउंट आप इसमें से ऐड करते हो तो उसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर बैंक अकाउंट आपका सही होना चाहिए, नेम भी ठीक होना चाहिए, IFSC कोड ठीक होना चाहिए, वो सब कुछ ठीक होगा तभी आपके अकाउंट में पैसे रिफंड होंगे। अदरवाइज़ वो गारंटी नहीं ले रहे आरबी वाले, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में IFSC कोड, नेम और आपका नेम और IFSC कोड ठीक होगा तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हो 31 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद ये लिंक बंद हो जाएगा, जो कि आप अप्लाई फीस रिफंड के लिए लिंक देख सकते हैं। लिंक एक्टिव 11 अगस्त को होगा। यहाँ पर आप आकर सरकारी रिजल्ट पर आप लिंक एक्टिव जब हो जाएगा तो आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो अगली फ़ीस रिफ़ंड का जो वीडियो होगी वो मैं आपको जल्दी से जल्दी सेंड कर दूंगा, आप उसी को देखकर